नमस्ते वनकम सत श्री अकाल आदाब राधे राधे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गैंगटोक से। आज का हमारा जो प्लान है वो है नॉर्थ सिक्किम का, 3 days 2 nights का प्लान है। तो फिलहाल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी निकलने के बाद सबसे पहला हॉल्ट ये वाला लिया है हम लोगों ने। यहाँ पे फॉल वगैरह है कोई, चाय वाय पी रहे हैं। देखो सीन ऐसे हैं कि फिलहाल पहला हॉल्ट लिया है हम लोगों ने और भाई साहब कतई खूबसूरत नज़ारा था ये। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सिक्किम की एक जो अच्छी चीज़ हमें लग रही है वो ये है कि इतना ठंडा एरिया, इतनी हाइट पे होते हुए भी बहुत हरा भरा एरिया है। तो अभी आपने जो वाटरफॉल देखा होगा और जो नज़ारे देखे होंगे उससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल आज का सफ़र जो है वो लाचुंग तक है। ठंड कैसी है? बहुत भयंकर ठंड है भैया, बहुत ज्यादा। अबे गाड़ी का शीशा बंद कर भाई। भाई साहब अभी हम लोग रुके हुए हैं फिलहाल तीस्ता रिवर के पास। ये भी पॉइंट है ऑन आवर वे टू लाचुंग। तीस्ता रिवर का जो कलर है अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग ही कलर है भाई साहब। और जब से हम सिलीगुड़ी से सिक्किम की तरफ जब भी आप एंटर होते हो तो जो आता है तीस्ता वैली, वहाँ से इस तीस्ता रिवर का कलर सेम है, मतलब कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और पता नहीं ऐसा कलर क्यों है, क्योंकि ऐसा कलर मैंने नदी का वैसे तो देखा है इससे मिलते जुलते, बट दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट। और नीचे राफ्टिंग वगैरह का पॉइंट है भाई साहब, खतरनाक जगह है। चले नहीं यार, कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो फिलहाल ये जगह है जहाँ पे हमें लंच करना है। काफी दूर तक आ गए हैं, नज़ारे देख रहे हो यहाँ से आप। अभी आप ये जो नज़ारे देख रहे हो ये मंगन बाज़ार से हैं और आपको उधर का साइड दिखाई दे रहा है भाई साहब। बादलों के बीच में पहाड़ छुप गए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और जब हम उधर साइड से देख रहे थे ना, तो कहीं कहीं पहाड़ों पे क्या हो रहा था कि कहीं कहीं पे पहाड़ों के पास
वाइट वाइट कलर नज़र आ रहे थे, तो वो हमने पूछा, पता किया तो पता चला वो बर्फ़ थी। एंड दिस इज़ आवर व्हीकल, ये मनोज अपना फोटोग्राफी करता हुआ, बालक गुप्ता क्या विचार रहे हैं अभी तक तेरे इस? अभी तक का विचार देखा जाए तो अभी ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों ठंड लग रही है, तुम्हें गर्मी लग रही है? ठंड लग रही है आपको अभी भी? नहीं नहीं अभी तक लग रही थी जब गाड़ी चल रही थी, बाकी तो ठीक है। भगवान का कहर था मतलब ऐसा अभी ठंड नहीं। मतलब इतनी गंदी वाली ठंड हो रही है यहाँ पे नागा फॉल से, पता नहीं मेरे ख्याल से, अबे नागा फॉल दिखा चुको मेरे को तो दिखा लो कम से कम, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा भाई? 7-8 डिग्री टेम्परेचर होगा। अभी हम जा रहे हैं लाचुंग में, और तुमको मैं बता दूँ इससे पहले अपन देखो अपन क्या उड़ीसा में बहुत घूमे हैं ना, वाटरफॉल्स का अपने को बड़ा शौक है, और रास्ते में मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं ना भाई उड़ीसा में, जो जो मतलब फेमस वाटरफॉल्स होंगे ना उनके जैसे तो यहाँ नॉर्मली ऐसे सड़क पे चलते हुए वाटरफॉल्स दिखते हैं भाई, मतलब खतरनाक जगह है सिक्किम। अगर आप आ रहे हो मतलब कभी प्लान अगर बने, थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि पर्सनल व्हीकल्स अलाउड नहीं होती हैं, बट देन भाई रास्ता ही अपने आप में इट्स अ जॉय टू गो थ्रू दिस रूट, इट्स अ सीयर प्लेजर। रही बात बाकी तो ये नज़ारे हैं, उधर देखो कुकर की सिटी, समझ रहे हो? नज़ारे उधर भी है, वहाँ भी दिखाओ, वो देखो किसी ने कुकर खुला छोड़ दिया, धुआं हो गया। तो ये देखो आपको पानी की बोतल दिखाई दे रही होंगी, सारी बहुत सारी पानी की बोतल्स हैं, ये टूंग विलेज था और सारी पानी की बोतल्स हमें यहाँ से वापस करनी है। ये नज़ारे देख रहे हैं आपको, हमने अपनी भी पानी की बोतल रख दी है यहाँ पे, आप यहाँ पे अपनी पर्सनल बॉटल स्टील या कुछ और लेके जा सकते हो, अदरवाइज बाकी बॉटल्स अलाउड नहीं है। ये जो दिख रही है आपको ये नॉर्थ सिक्किम में एंटर होने के जस्ट थोड़े देर बाद ये टनल आ जाती है, बहुत ही खूबसूरत सी टनल है, और उसके पहले जो आपका जो मेन परमिट और बाकी सारी चेकिंग्स होती हैं वो यहीं पे होती हैं। और दूसरी सबसे गंदी बात हमारे साथ क्या हुई है कि हमारी गाड़ी का टायर भाई साहब हो गया है पंचर, यहाँ पे गाड़ी का टायर हमारा चेंज हो रहा है। अभी गुप्ता उधर गया था, वो देख के आया है, कुछ माहौल सा है उधर, ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं उधर का नज़ारा इन्जॉय करते हैं, तब तक भैया हमारा टायर चेंज कर रहे हैं गाड़ी का, चलो आ जाओ। तो जो हम बात कर रहे थे व्यू की, अगर वो आपको क्लियर कट नजर आ रहा हो तो भाई साहब वहां पे जो देख दिखाई दे रहे हैं पहाड़ आपको, वो पहाड़ है और देख रहे हैं उसके ऊपर से बादल जा रहे हैं, और यहाँ बीच में कोई नदी वदी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो अभी हमने टनल देखी ना, आप देख रहे हो ये नज़ारे, ये मुझे लग रहा है ये पहले रोड रहा होगा जो टनल से पहले यहाँ से लोग आते जाते होंगे, और यहाँ से जस्ट नीचे का नज़ारा देख रहे हो, तेरी बाप रे खतरनाक है भाई साहब, ये यहाँ से गिरा आदमी तो गया।
और ऊपर का नजारा देख रहे हो आप, बाप रे भाई साहब, मतलब मैं जहाँ खड़ा हूँ ना यहाँ से स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है, मतलब कोई पत्थर टूट के गिर गया ना तो कहानी खत्म समझो तुम। उधर वाले भी एक्चुअली पहाड़ जो है वो ब्लैक ब्लैक जो नजर आ रहे हैं वो भी बर्फी बर्फी जमी हुई है वहाँ पे, वाइट वाइट अगर आपको कुछ पैचेस नजर आ रहे होंगे तो बर्फी जमी हुई है। तो भैया ने कोशिश तो करी बट वो टायर का साइज से खुला नहीं था। तो अभी हम एक चुंगथांग करके विलेज है, चुंगथांग करके जगह है नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और वहाँ पे गाड़ी का पंक्चर सही कर रहे हैं क्योंकि हवा वाली दुकान एक मिल गई है। यहाँ पे देखो SBI भी है। व्हाट अ प्लेस दिस इज मैन। दिस इज तीस्ता रिवर और ये है भाई इसका ये वाला पार्ट। जस्ट लुक एट दिस व्यू, वो देख रहे हो रैपिड्स कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ठंड कैसी है? ठंड बहुत अच्छी है रोज। मास्क पहने घर पे रहें। ओह आई थिंक कुछ तो भाई साहब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको भैया बोल रहे हैं कि दिस इज़ कॉल्ड अमिताभ बच्चन फॉल। और अमिताभ बच्चन फॉल इसलिए क्योंकि शायद बहुत ऊंचा है, लोकल में इसका क्या नाम है ये हमको भी नहीं पता। बट देन आप ज़रा देखो यार क्या मतलब क्या हाइट है भाई साहब इसकी, खतरनाक। पता नहीं कहाँ तक नज़र आ रहा है और मैं कहाँ तक नज़र आ रहा हूँ क्योंकि इसमें इस फ़ोन में एक ही कैमरा है। भाई साहब गंदा वाला यार, मजा आ गया देख के। आपको याद है ठंडाधार फॉल? ठंडाधार फॉल से भी ऊंचा है भाई, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है यार।
अरे भाई साहब तुम यहाँ से ये वाले नज़ारे देखो यार, वो तो है जो है, बर्फ तुम्हें नजर आ रही जमी हुई। भाई साहब अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो सारे के सारे बादल जितने भी हैं सारे इन पहाड़ों के बीच में जा जा के फंस गए हैं, समझ रहे हो। और उधर उधर देखो बर्फ़ वाले पहाड़, ये देखो ये बादल फंसे हुए हैं। और हमारे नीचे ये जो नज़र आ रहा है ये है लाचुंग गांव, दिस इज़ लाचुंग विलेज। बहुत ठंड है भाई, खतरनाक वाली। तो हमारे होटल के सामने आर्मी चेक पोस्ट है। फिलहाल हम लोग लाचुंग गांव पहुंच गए हैं, हमारे होटल के सामने आर्मी चेक पोस्ट है, ये हमारा होटल। अभी थोड़ी देर में आपको होटल का टूर देते हैं बढ़िया, ठीक है। अभी हमारा सामान अंदर जा रहा है खैर। और हमारे सामने ही देखो आप बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, खतरनाक कतई। और भाई इधर उधर बादल अटके पड़े हैं इन वादियों में, और ठंड तो कसम से ऐसी मज़ेदार ठंड हो रही है ना कि पूछो ही मत। दिस इज़ आवर होटल्स एंट्री पॉइंट, ठीक है, कमरे का हमारे। ये एक बेड है, वो तो लोगों का बेड है, यहाँ जो आपको मानव दिख रहा है यह हिम मानव है। इसको ठंड नहीं लग रही भाई आज, खतरनाक वाली। ये खिड़कियाँ हैं, यहाँ से व्यू कतई ज़ोरदार होगा, लेकिन अभी क्या है कि हो गई है रात। ये है हमारा टीवी, अरे वाह ये वाले, ये देखो आप, ये दो चेयर पड़े हुए हैं, छोटा सा टेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये आपको, ये वुड है भाई, बहुत सही चीज़ है यार। ये एक पेंटिंग भी लगी हुई है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लाचुंग पहुंच गए, होटल दिखा दिया, सिक्किम से बहुत लंबा रास्ता था, मुझे पता है व्लॉग बहुत लंबा होगा, बट देन अगर मैं इसको दो पार्ट तीन पार्ट में बनाऊंगा ना तो चीज़ों का मतलब नहीं होगा। खूबसूरती से भरा हुआ रास्ता है, बी रोल्स बहुत सारे शूट हुए हैं, तो हो सकता है मैं कोई भी काटना नहीं चाहूँगा, थोड़े थोड़े सब कुछ रखूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो कुछ करना मत, ठीक है, ऐसे स्वाइप अप करके हटा के चले जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।